नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी पॉइंट पे। दोस्तों, इंडियन पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्टल सर्किल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। केवल ही केवल अगर आप 10वीं पास हो किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो भी यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है इंडियन पोस्टल सर्किल की तरफ से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसे अभी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा डाउनलोड नोटिफिकेशन, झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न और पंजाब के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आ गया हूँ सरकारी रिजल्ट.com के ऑफिशियल वेबसाइट में। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com के ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे अपडेट दी गई है झारखंड, पंजाब और दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें जो आपका नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी की दोस्तों अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ₹100 रखा गया है और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया। यानी कि दोस्तों ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो फिर एनी पोस्ट ऑफिस से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। वैकेंसी डिटेल्स दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे पोस्ट नेम दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया है। एज लिमिट दोस्तों आपका 18 से लेकर 40 साल रखा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हो, एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दोस्तों आपके यहाँ पे हेज में छूट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे केवल ही केवल अगर आप 10वीं पास हो किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन कर दिया है, क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, नो द लोकल लैंग्वेज एंड अप्लाइड स्टेट। यानी कि दोस्तों आपको पास जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा स्टेट में कितना यहाँ पे वैकेंसी है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए अलग अलग कितना वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपडेट दी गई है, पूरा डिटेल्स में अपडेट दी गई है सरकारी रिजल्ट.com के ऑफिशियल वेबसाइट में, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाकर दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स पे आपको दी गई है। फिर भी दोस्तों अगर आपको मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।